कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा जीवो 225 DI ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और आज तो किसान भाइयों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रांच मैनेजर विजय जी। तो ये आपको जो है ट्रैक्टर की जानकारी देंगे, साथ में आपको जो है इस ट्रैक्टर के प्राइस भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं विजय जी से। तो सबसे पहले तो आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय है, मैं ब्रांच में देखता हूँ महिंद्रा ट्रैक्टर की, श्री शिवशक्ति मोटर्स मेरठ से। ये हमारी मवाना की ब्रांच है जहाँ पर सभी प्रोडक्ट हमारे महिंद्रा के रहते हैं, चाहे आपका 275 है, 225 है, या आपका 575 अभी नया आया XP में मॉडल आया 550, पूरी सीरीज हमारी आपकी महिंद्रा को यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो विजय जी, आज हम जैसे कि बात करने वाले हैं महिंद्रा जीवो 225 DI के बारे में, तो विजय जी सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसके अंदर जो इंजन आता है वो कितने HP का इंजन है और कितने सिलेंडर का इंजन इसके अंदर दिया हुआ है? सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा ये छोटा ट्रैक्टर आता है, ये सबसे पहले किसानों के लिए हमारे जो ट्रंच विधि के गन्ना होते हैं, जो वेस्ट UP के किसान हैं, ट्रंच विधि में जो गन्ना बो रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है ये। ये हमारा 20 HP में ट्रैक्टर निकाला है अभी, इसी वजह से ताकि किसान गन्ने में या किसी भी चीज़ में इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। 20 HP में ट्रैक्टर है, 2 सिलेंडर में इसका जो है वो दिया हुआ है, इंजन दिया हुआ है। और फ्यूल की अगर आप कंजप्शन की बात करें तो हैवी लोडिंग पे आपका 1 लीटर का इसका खर्चा आता है। 1 लीटर? हाँ, 1 लीटर का खर्चा आता है। तो विजय जी, जैसे कि हम 1 लीटर का खर्चा बता रहे हैं, तो ये मतलब कि 1 घंटे के अंदर है या फिर किस तरीके? 1 घंटे में आपका हैवी लोड पे आप किसी भी चीज़ में चला रहे हैं ट्रंच विधि में, या तो आप रूटर पे चला रहे हैं या आप ट्रोली पे ले जा रहे हैं, तो उस पे हैवी लोड पे आपका 1 घंटे का खर्चा आता है। अगर आप ऑन रोड बात करेंगे तो 1 लीटर का खर्चा 1 लीटर पर आवर। तो विजय जी, जैसे कि अगर इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर गियर बॉक्स कौन सा दिया हुआ है? देखो, गियर बॉक्स में सिंक्रोनस गियर बॉक्स आता है जो आवाज़ नहीं करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी इसके साइड शिफ्टिंग गियर दिए हैं, आप वहीं से बैठे बैठे आपकी स्मूथ ड्राइविंग है, आप कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप कहीं पर जो स्मूथली वहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हैं, आप गियर को कंट्रोल कर सकते हैं, साइड में ही आपके साइड शिफ्टिंग गियर दिए गए। तो विजय जी, जैसे कि हम इसके गियर स्पीड की बात करें तो इसके अंदर कितने गियर्स दिए हुए हैं? इसमें हाई लो मीडियम में आपके जो है 8 तो आपके फॉरवर्ड में आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं आपके रिवर्स के अंदर। और इसके अगर PTO की बात अगर हम कर लें तो विजय जी, इसके अंदर डुअल PTO दी हुई है या फिर इसके अंदर सिंगल PTO आती है? सिंगल PTO आती है इसमें, ये सिंगल PTO दी हुई है। लेकिन आपकी जो है अगर देखा जाए तो किसी भी मल्टीपर्पज किसी भी उस पर चला सकते हैं आप, जनरेटर पर चला सकते हैं या किसी और भी चीज़ पे चला सकते हैं, किसी भी चीज़ पे इसको जो चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं आप। तो जैसे कि अगर ट्रंच विधि का किसान गन्ना होता है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बेस्ट सबसे बेस्ट जो आपके ट्रंच विधि के लिए है। यहाँ पे वेस्ट UP के जितने भी किसान होते हैं वो ज़्यादातर सब जो इसको यूज करते हैं, आप चाहे उसमें जो है गन्ने के किसान हों या मूंग वगैरह या कोई भी चीज़ जो इसमें बीच में बो रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा सूट है, चाहे आप हैरो पे चलाएं इसे या बीच में जो जुताई के लिए चलाएं, किसी भी चीज़ पे चला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा जैसे कि विजय जी ने आपको बताया, 2 सिलेंडर का पूरा इसके अंदर जो है इंजन लगा हुआ है और बॉस का इसके अंदर इनलाइन फ्यूल पंप जो है वो लगा हुआ है। साथ में अगर बात कर लेते हैं इसके जो है स्टीयरिंग भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग को बनाता है ये। और जो लंबे समय तक ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं तो उन्हें कोई भी थकावट महसूस इसकी वजह से वो नहीं होती है। और स्टीयरिंग साइज की भी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो काफ़ी छोटे स्टाइल का इसके अंदर स्टीयरिंग दिया गया है। और स्टीयरिंग के बीच में भी आप अगर देखते हैं तो महिंद्रा की बैजिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। और मेनली अगर बात कर लेते हैं इसके एयर क्लीनर की, तो बहुत सी कंपनियाँ हैं अभी भी जो है जो ऑयल बार टाइप का है जो एयर क्लीनर दे रही हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ड्राई टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है।
जो कि काफ़ी अच्छे से एयर को क्लीन करके और इंजन के अंदर जो है वो भेजता है। साथ में अगर आप देखते हैं तो कूलेंट के लिए भी अलग से इसमें कंटेनर लगाया गया है, जो कि मेनली ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ में लगाया गया है, जिससे कि अगर आपके इसके अंदर जो कूलेंट डाला जाता है वो अगर ओवर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली उसे रेडिएटर के अंदर भेज देता है। साथ में अगर आप देखते हैं तो जाली भी इसके आगे लगी हुई है, जिससे कि जो धूल वगैरह है, मिट्टी के पत्थर है, वो डायरेक्टली रेडिएटर के अंदर ना जा सके, जिससे कि आपका रेडिएटर चोक ना हो सके। साथ में अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो आपको जो बैटरी है वो भी फ्रंट में ही दी जाती है, जो कि एक तरीके से वेट का भी ये काम करती है और बिल्कुल ही कम्प्लीटली एक अपनी जगह पर भी बिल्कुल ये आ जाती है। बोनट भी आप अगर देखेंगे तो पूरा सिंगल पीस इसके अंदर बोनेट है, जिसे कि काफ़ी इजीली आप ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और इंडिकेटर भी आप अगर देखते हैं तो बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ में इसके इंडिकेटर डिज़ाइन किए हैं और इंडिकेटर की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल ही अलग तरीके से रखी गई है। तो विजय जी, जैसे कि हमने किसान भाइयों को फीचर भी इसके बताए, अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस की, तो आप प्राइस भी एक बार किसान भाइयों को जो है कन्फर्म करवा दीजिए। लेकिन प्राइस हमारे वैसे इसके बहुत ही नेगोशिएशन, कोई ऐसे ज़्यादा हमें एक रेंज में ही आता है बिल्कुल जो किसान की अफोर्डेबल होती है। तो ये इसको हमारे 3,90,000 रुपये का जो है ट्रैक्टर आता है एक्स शोरूम में, ठीक जी। बाकी आपके जो है बीमा रजिस्ट्रेशन इसमें अलग रहते हैं। तो किसान भैया, जैसे कि विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने आपको ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी, साथ में आपको जो है ऑन रोड प्राइस भी ट्रैक्टर के बताए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विजय जी का, जो इन्होंने हमारे लिए और आप लोगों के लिए अपना कीमती समय निकाला। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। तक यह वीडियो आप आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल कृषि मीडिया एंड टैक पर देख रहे थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।